साहब, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आपका नाम बड़ा यूनिक है, निसार स्माइलर, इसके पीछे क्या राज है, जरा ये तो बताएं। इसके पीछे मुस्कुराने का राज है। वाह वाह वाह, स्माइल बहुत करते थे, स्माइल करते हुए आप कराटे मार्शल आर्ट सिखाते थे या खेलते थे? जी जी, मैं तो कहता हूँ कि बस कीप स्माइलिंग फॉर स्माइलर। क्या बात है, दैट्स गुड। निसार साहब, आपने वैसे जब हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि सिर्फ कराटे ही नहीं बल्कि आपने शायद ही कोई शोभा ऐसा छोड़ा है कि जिसमें आपने कोई काम नहीं किया। आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आपने एंकरिंग भी की है और मुतअद्दिद आपने काम किए हैं, लेकिन जो आपकी वजह शोहरत बना, जो आपकी पहचान बना एक्चुअली में, वो कराटे और स्पेसिफिकली मार्शल आर्ट्स हैं। तो अपने करियर के बारे में बताएं, कब आपने सोचा कि जी कराटे मुझे जो है स्टार्ट करना है? कराटे दरअसल मैं 1967 में यहाँ से चला गया था इंग्लैंड से, पाकिस्तान से। तो वहाँ जाकर छोटे सा उम्र में वालदेन के साथ गया था, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ। सही। तो हम लोग जब गए वहाँ पर तो घर के सामने एक कराटे क्लब था, यूथ सेंटर जिसे बोलते हैं, यहाँ तो यूथ सेंटर नहीं होते जी। वो इंग्लैंड में हर इलाके के अंदर हर यूथ सेंटर होते हैं। सही। तो मैं वहाँ गया खेलने के लिए, वाले साहब ने कहा चलो यहाँ छोटी सी उम्र है तुम यहाँ खेला करो आकर। मैंने देखा तो लोग कराटे कर रहे हैं, मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, स्लीपिंग सूट पहने हुए हैं। तो मुझे तो ये नहीं पता था कि कराटे क्या चीज़ होती है। तो कहने लगा ये कराटे है, मैंने कहा वो क्या होता है, कहता है आवाम दिखाते हैं ऊपर आपको। ऊपर लेके तो वो एक बंदा पाँच पाँच से लड़ रहा था, छः छः से लड़ रहा था। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने हॉकी शुरू की हुई थी वहाँ पर, फुटबॉल भी शुरू की हुई थी, वॉलीबॉल, यानी कि सारी गेमें होती थी वहाँ पर। तो मैंने फिर वहाँ से टेक शुरू किया, वहाँ से आपने करियर। आप इस बात से इंप्रेस हो गए कि एक शख्स जो है वो चार पांच लोगों को टैकल कर रहा है? जी हाँ। तो मुझे जोर अच्छा लगा कि लड़ते हैं, देखो स्कूल में जिस तरह बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो गैंग बना लेते हैं। तो मैंने कहा जब एक बंदा पांच छह से लड़ रहा है तो हमें गैंग बनाने की क्या जरूरत है। निसार साहब, एक आम आदमी अगर इसकी तरबियत हासिल करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो कितना वक्त लगता है उसको मार्शल आर्ट के लिए? पाकिस्तान के लिए तो बस अब मैं क्या बताऊँगा, कुछ कह नहीं सकता मैं इस चीज़ के बारे में। ये हर शख्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जो है कितना। लेकिन अगर कोई बहुत शौक रखता है तो उसके लिए, और वो इसके बारे में पैशनेट है। देखिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती यहाँ बिल्कुल भी। गरीब बच्चा जो वो आगे आना चाहता है उसको सपोर्ट नहीं मिलती कुछ भी, तो वो कैसे आगे आएगा। इंग्लैंड के अंदर ये है कि यूथ सेंटर खोले हुए सबके लिए गवर्नमेंट ने, तो वहाँ कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री में हर चीज़ है। जी जी जी, बल्कि वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप अच्छे लड़ रहे हैं तो फाइटर हैं तो आपके पैसे भी वो पे करेंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के भी पैसे देंगे, आपकी फीस भी देंगे, आपको इंटर फीस भी देंगे, यानी कि सब कुछ वहाँ सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वहाँ का बच्चा ज़्यादा निकलता है। निसार साहब, वैसे ये कितना मुफीद है कराटे सीखना, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसमें जो अपनाए जाते हैं, जैसे चाइना में कुंग फू फेमस है, कोरियन स्टाइल में आप ही बता रहे थे कि वो ताइक्वांडो आ जाता है, और जो ये कराटे में ये जापानीज फॉर्म है मार्शल आर्ट्स जो है। तो आपने मार्शल आर्ट्स ही को क्यों ऑप्ट किया, और फिर क्या आप जापान भी गए, तो वो अगर गए तो वो कैसा आपका दौर था? कौन थे इसमें? मेरे पीछे मेरे वालदेन थे। वैसे टीचर किसने सिखाया आपको? टीचर मेरा जो थे वो थे टोनी ड्यूक इंग्लैंड के अंदर, जिनके साथ मैंने सीखा। उनके साथ फिर मैं फाइट कर रहा था विंबलडन में, लंदन के अंदर, ये 74 की बात है। तो वो इंग्लैंड चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें मैं जीत गया था। तो वो मेरे पास आया आके कहने लगे मैं जापान से आया हूँ और मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ कि आप जापान में आए तो मैं आपको अच्छा, यानी कि और फाइटर अच्छा बना दूंगा मैं। आप बहुत अच्छे फाइटर हैं लेकिन और अच्छे बना दूंगा। बहुत छोटा था उस वक्त तो, लेकिन मैंने कहा इग्नोर कर दिया मैंने। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मैं खुद फाइटर हूँ, इतने कंपटीशन की क्या जरूरत है। फिर एक दिन लेटर आ गया मेरे घर, तो वो कहने लगे कि आप आए, हमने टिकट आपकी बुक की हुई है, तो आप जापान आए। तो वाले साहब कहने लगे जाओ, वाह कहाँ से आपका। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा अकेला। कभी देखे नहीं जहाज में बैठ कर। आपकी एज क्या थी उस वक्त? 11 साल की थी। अच्छा, 11 साल। तो फिर चल सो शुरू हो गया। फिर मैं जाना पड़ा, तो जिस वक्त मैं गया हूँ वहाँ पर, एक हफ्ते मैंने ट्रेनिंग की है उनके साथ। तो मैं रात के वक्त, हम साथ सोते थे ज़मीन पर, वो गद्दे बिछा कर, उनकी वालदा सोती थी, फिर वो सोते थे, फिर मैं इधर, तीन होते थे हम। मैं रो रहा था हिचकियों के साथ, तो क्या लूटे कला के चिकन बॉय क्यों रो रहे हो आप? मुझे चिकन बॉय कहते हैं। चिकन बॉय? हाँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं खाता था, सिर्फ चिकन ही खाता था। मुझे पता चिकन हलाल है, इसलिए। मुझे नहीं पता हलाल हराम क्या चीज़ है उस वक्त, उस उम्र में। तो
तो मैंने कहा चिकन तो हलाल ही, तो मैंने कहा चिकन ही खाना, चिकन खाएं। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें खाते हैं ना चीज़ें, हाँ, हाँ, तो मैंने कहा मैं सिर्फ चिकन ही खाऊंगा। तो उसको उन्होंने चिकन बॉय रख दिया था मेरा नाम। तो मुझे कहा चिकन बॉय तुम क्यों रो रहे हो, मैं कहा मैंने वापस जाना इंग्लैंड, मैंने नहीं ठहरना, मेरे से ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती, 10-10 घंटे रोजाना ट्रेनिंग में, हम तो 2-3 घंटे करते रहे। कहने लगा एक हफ्ते के बाद आप चले जाना, एक हफ्ता हमें दे दें। एक हफ्ता मैंने दिया उनको, तो फिर उसके बाद मुझे कहने लगा आप जाना तो चले जाओ, ये पासपोर्ट आपका। मैं कहने अब तो नहीं जाना, मैं यूज टू हो गया हूँ। हाँ जी, अब तो आदत हो गई। हाँ, तो फिर एक कंपटीशन होता 1975 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो मेरी सीट बुक हो गई थी एक हफ्ते पहले की। तो वो कहने लगे कि अगर एक हफ्ते और रुक जाओ, तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो जो टिकट है वो इस तारीख का है। तो कहने लगे कि हम टिकट आगे करवा देते। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आपने तो माशाल्लाह से बड़ा नाम कमाया और बड़े एक्सपीरियंसेस हासिल किए, पाकिस्तान में भी बहुत सा टैलेंट है जो चाहता है कि मार्शल आर्ट में आगे जाए, जी, लेकिन अगर उनको स्कूलिंग की बात की जाए तो वो नहीं मिल रही, उनको एक अच्छा कोच नहीं मिल रहा, ऐसा टीचर नहीं मिल रहा जो उनको उस शौक को पूरा करवा सके, क्या समझते हैं किन इकदाम की ज़्यादा ज़रूरत है? देखो खुद जो ट्रेनर है वहाँ, यहाँ पर मैंने जो नोटिस किया है वो खुद फाइटर नहीं है, वो क्या किसी को फाइटर बनाएंगे। बहुत से कॉलेज यहाँ पर क्लब में है, जिस तरह अब यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ साहब, ये लाहौर के अंदर ही है, उनका अपना क्लब चल रहा है, छोटा सा मैंने सेटअप देखा कल, बच्चे को लड़ते देखा, बहुत अच्छा लड़ रहे थे लड़के।